नमस्कार, मैं स्वप्नाली, स्पीड न्यूज लाइव 24 की आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर सोमवार को नियमित तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ ही लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया इतिहास रचने के करीब है। भारत को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 348 रनों का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 20 विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। विश्व में जाने वाले कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक 9.5 करोड़ से अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। वहीं कोविड-19 के कारण 20 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान 14 अपराधी पुलिस के हस्ते चढ़ गए हैं, दर्जनों की तलाश जारी है। खास बात ये है कि इसमें कई अपराधियों के तार विदेशी से जुड़े हैं। व्हाट्सएप द्वारा ली गई नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई कि सरकार को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। याचिका में नई पॉलिसी को निजाजा का उल्लंघन बताया गया है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने अमेज प्राइम वीडियो को एक कानूनी नोटिस भेजकर वेब सीरीज तांडव को अपने प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में नया मोड़ आ गया है। विधान परिषद चुनाव में 13वें प्रत्याशी में नामांकन दाखिल कर दिया है। कानपुर के रहने वाले महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है। पश्चिम बंगाल के महानंदा वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ही पंछी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षी प्रेमियों को वन में जाने तथा विविध प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। इस महोत्सव का आयोजन दार्जिलिंग वन्य जीवन संभाग में किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवारी शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव जीता था। आज की ताज़ा खबरें यही समाप्त होती है। शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स साठी स्पीड न्यूज लाइव 24 चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा।